दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं दिनों दिन पांव पसार रही हैं। लोगों का प्रकृति से जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को स्वेच्छा से स्वच्छता को अपनाने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो ने हीलिंग हिमालय एनजीओ के साथ शहर के समीप जंगल में सफाई अभियान चलाया और लोगों से स्वच्छता की अपील की। हीलिंग हिमालय एनजीओ के फाउंडर प्रदीप सांगवान ने बताया कि लोग अब प्रकृति से जुड़े हुए नहीं हैं और यही वजह है कि आज के समय में नदी नाले बावड़ी विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की प्राथमिकता अब बदल चुकी है और यही कारण है कि पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। प्रदीप सांगवान ने बताया कि 15% योगदान क्लाइमेट चेंज में वेस्ट मैनेजमेंट का रहता है और ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो पहले हम पर्यावरण कितने नज़दीक रहते थे, नेचुरल हेरिटेज जो हमारी थी उसको हम प्रायोरिटी देते थे। एक धर्म था पानी के झरने को बचा के रखना, एक बावड़ी को बचा के रखना, वो हम धर्म मानते थे। वो पूरा जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है और उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये जो ग्राउंड एक्शन है जो अभी चल रहा है ये उसी की तरफ है कि लोग सिर्फ बातें ना करें, उन बातों को एक्शन में कन्वर्ट करें, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। सो दुनिया जहान में सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, बट सॉल्यूशंस क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटर्स की कमी है हमारे देश में, और ये हिमाचल में भी ये कमी है। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएँ कहीं पर भी जाते हैं तो इम्प्लीमेंटर्स ढूंढने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और ये एक कोशिश है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल वार्मिंग, 1.5 डिग्री टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़े वर्ड्स हो जाते हैं कम्युनिटीज़ के लिए। उसको थोड़ा सा आसानी से कैसे बताया जा सकता है, कैसे पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है, वो करने की ज़रूरत है। जो बड़े लार्ज स्केल सॉल्यूशंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज करके स्मॉल यूनिट्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और वही कोशिश भी वही है हमारी। सीआईडी के एडीजीपी सतवंत अटवाल ने बताया कि आज से कुछ वर्ष पहले शिमला की जो प्राकृतिक सुंदरता थी अब वह विलुप्त होती जा रही है। लगातार हो रहे निर्माण कार्यों से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों को बचाने के लिए सभी लोगों को स्वेच्छा से आगे आना होगा, तभी भावी पीढ़ी को सांस लेने के लिए स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिलेगा। अगर हम लोग को अपना हेरिटेज बचाना है और अपना फ्यूचर उसके साथ साथ सिक्योर करना है, दोनों चीज़ है। ये हम तो इसी शहर में पले बड़े हैं, ये सब घने जंगल हुआ करते थे, अब बिल्डिंग्स आ गई हैं, वो सब नहीं रहा, लेकिन जो रह गया है उसको प्रिजर्व करके रखना ये हमारा दायित्व बनता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स को ऑर्डर देके यहाँ बुला लिया और कर लिया, हर एक के मन से आवाज़ आनी चाहिए। जैसा इन्होंने पहले कहा कि काश हमारा फ्यूचर ऐसा हो जाए कि ये ड्राइव्स करनी ना पड़े और कहीं कचरा हो ही नहीं, तो वी वर्किंग फॉर दैट फ्यूचर एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक आर चिल्ड्रंस फ्यूचर सिक्योर एंड वी आर ट्राइंग टू कीप एवरी ब्रेथ क्लीन। अगर ये प्रकृति ने इतना सुंदर हम लोग को एक हिस्सा अपना दिया है जीने के लिए, तो हमारा भी एक प्रकृति की तरफ ऋण है और एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम उतना सुंदर रखें जितना ये हमें धरोहर में मिला है। वहीं इस मौके पर शहर के खलीणी वार्ड से पार्षद चमन प्रकाश ने भी शिमला की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी लोगों से स्वच्छता में योगदान देने की अपील की। मैं समझता हूँ कि ये समय आ गया कि अब हम लोगों को खुद जागरूक होना होगा और हम सभी लोगों को मिलकर अपनी इस प्रकृति को बचाना होगा। और हमारे वार्ड में जैसे कि आज हम इस नाले की सफाई कर रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि आने वाली हमारी पीढ़ी है, अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें खुद ही आज जागरूक होकर कूड़ा ये जो कचरा है इससे प्लास्टिक से इससे इसको फेंकना नहीं होगा और इसको जहाँ इसके सेंटर्स बनेंगे उनको वहाँ जमा करवाना चाहिए। हमारे गार्बेज इंस्पेक्टर भी आते हैं, घर घर आते हैं, अगर कोई कूड़ा गंदगी फैलाता है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं तो यही अपील करूँगा सभी से, अपने वार्ड के लोगों से, शहर के लोगों से, कि हमारा जो एरिया है बहुत सुंदर है और लोग दूर दूर से घूमने यहाँ आते हैं, और इस एरिया को हम आज प्रण लेते हैं कि हम इसको साफ सुथरा रखेंगे। आधुनिकता की इस दौर में प्राकृतिक विरासत को बचाने में स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो और हीलिंग हिमालय एनजीओ द्वारा किया गया स्वच्छता का ये प्रयास निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ शिमला।